Hello everyone, welcome to all Army Kids Education Channel. Today in this video we will talk about Jolly Phonic Group 4 के बारे में. Group 1, 2 और 3 की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ. अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखिए. डिस्क्रिप्शन में भी उसका मैंने लिंक छोड़ा है और आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वो जाके जरूर देखिए अगर आपको 4th और 5th ग्रुप को अच्छे से समझना है. क्योंकि अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं और आपको डायरेक्टली ये समझ में नहीं आएगा, उसके लिए आपको पूरा स्टार्टिंग से ही देखना पड़ेगा. और हाँ, अगर हाँ आप पहली बार आए हैं और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कॉमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. क्योंकि आपके कॉमेंट्स मुझे बहुत सारा मोटिवेशन देते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए. सो चलिए आज का साउंड देख लेते हैं. तो ग्रुप 4 और 5th में बहुत सारे डायग्राफ हैं. अब डायग्राफ क्या होते हैं? जब दो लेटर मिलके एक साउंड बनाते हैं उन्हें डायग्राफ कहते हैं. जब वो दोनों लेटर वोवल हो उन्हें वोवल डायग्राफ कहते हैं. जब वो दोनों लेटर कॉन्सोनेंट हो उन्हें कॉन्सोनेंट डायग्राफ कहते हैं. तो जोली फोनिक के ग्रुप 4 का हमारा जो पहला साउंड है ए, ये दो लेटर से मिलके बना है, ए और आई. इन लेटर को मिला के जब एक साउंड बनता है वो है ए. ए जैसे आपने पहले देखा है कि ए का साउंड है ए और आई का साउंड है ई, पर यहाँ पे वो दोनों साउंड यूज नहीं हो रहे हैं, आपको अलग साउंड बनाना है ए. जैसे आप कोई लेटर देख ले, रेन, र, ए, न, रेन. लेटर उसमें चार होते हैं पर साउंड कितने का रहा है? तीन का, र, ए, न, रेन. इसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आप जोली फोनिक की स्टोरी ले लीजिए, राइम्स ले लीजिए या फिर अपने वर्ड बैंक लेके अपने एक्शन वर्ड से आप उनको करवा लीजिए. एक्शन करवाना यहाँ पे बहुत जरूरी है. मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है सब तरह के बच्चों को लेके है, कि जिनको बोलना नहीं आता, सुनना नहीं आता या फिर समझना नहीं आता, तो एक्शन, बोलना, राइम्स ये सब चीज़ें उनको भी हेल्प करती हैं. तो एक ओवरऑल पैकेज हमारा बन जाता है. तो ए को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आप कोई भी स्टोरी बना लीजिए खुद से, उसमें खुद के वर्ड डाल लीजिए, पर आप मेक श्योर वहां उसके अंदर साउंड होना चाहिए ए का. अभी जोली फोनिक में इसका साउंड है और एक्शन भी यही है कि जैसे कोई कुछ बोलता है जोर से और हमको सुनाई नहीं देता, हम ए ए ए, और जोली फोनिक में उसका एक्शन भी यही है ए ए. तो आपको ऐसे इसको इंट्रोड्यूस करवाना है. आप इस बात का ध्यान रखिए जब भी आप नया साउंड इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो पीछे वाले साउंड के रिवीजन करवाते रहिए. क्योंकि अगर आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक उनको करवाते रहेंगे, पीछे वाला वो भूलता रहेगा. जब उनको पीछे वाले बिल्कुल श्योर हो जाए कि आ रहे हैं बच्चों को, तभी आगे बढ़िए. एकदम से बच्चे के ऊपर बर्डन डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. और वर्कशीट का बिल्कुल ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वर्कशीट करवाइए. मैं वीडियो में ज़्यादा इसलिए नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है. गूगल पे आप एक वर्कशीट सर्च करेंगे तो आपको 100 निकल के आ जाएंगे, तो वर्कशीट बताने का कोई मतलब ही नहीं बनता. क्योंकि यहाँ पे जो मैं बताऊंगी वहाँ पे भी आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएंगी. ग्रुप 4 का हमारा अगला साउंड है ज, ज, जे. आप एयर फॉर्मेशन करवाइए और एयर फॉर्मेशन में ध्यान रखिए हमेशा उल्टा ही आपको करवाना है, सीधा नहीं करवाना है. क्योंकि बच्चे हमारा मिरर इमेज में हमको देखें तभी उनको सीधा दिखेगा, अगर हम उल्टा करेंगे तो वो उल्टा ही लिखना शुरू कर देंगे. तो एयर फॉर्मेशन करवा दीजिए, फिर उसका स्टोरी बना दीजिए, राइम्स करवा दीजिए. और जोली फोनिक में तो इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्शन है. आप प्रिटेंड कीजिए जैसे जेली होती है ज, ज, उसको अगर हम प्लेट में रखते हैं उसको टच करते हैं वो ऐसे ऐसे से डांस करते. तो आप भी बच्चों को बोले कि आप जेली हो, खड़े हो जाइए और ऐसे से जैसे टच एक दूसरे को टच करेंगे वो ऐसे ऐसे हिलेंगे, तो वो ज, 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 तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं और उनको जे का साउंड हमेशा याद रहता है, वो कभी नहीं भूलते. अगर आप अच्छे से इंट्रोड्यूस करेंगे और अच्छे से उसके एक्शन करवाएंगे और उनको बिल्कुल इन्वॉल्व करेंगे इस एक्टिविटी में, वो जे का साउंड कभी नहीं भूलते हैं. और का हमारा अगला साउंड है ओ. ओ और ए मिलके एक साउंड बना रहे हैं. ये भी वोवल डायग्राफ है, दोनों का साउंड एक आ रहा है ओ, लंबा है ओ. ओ जोली फोनिक में इसका साउंड भी यही है ओ, थोड़ा ये लॉन्ग साउंड है ओ. वैसे ओ का साउंड आता है ओ और ए का साउंड आता है अ, पर यहाँ पे दोनों एक लॉन्ग साउंड क्रिएट कर रहे हैं ओ. ओ जैसे आप समझाने के लिए बच्चों को जैसे कुछ हो जाते हैं हम बोलते हैं ओ, ओ, एक्शन भी यही हो जाएगा आपका ओ. ओ कुछ भी बच्चा अगर क्लास में कुछ अलग कर रहा है, इंटरेस्टिंग कर रहा है, तो आप सब दूसरे बच्चों को भी साथ में लेकर उसकी तरफ करते हैं ओ. ओ बिल्कुल ओ भी नहीं करना है और थोड़ा ये लॉन्ग में रहेगा ओ. ओ जैसे गॉट, गॉट, ये ऐसे वाला साउंड है.
फोर का जो हमारा अगला जो साउंड है आई, आई और ई मिलके, ये भी फिर से एक वोवल डायग्राफ है, आई और ई मिलके एक अलग साउंड क्रिएट कर रहे हैं जिसको आई बोलते हैं। आई का साउंड ई है और यहाँ पे ई का साउंड हम ए ऐसे बोलते हैं, पर यहाँ पे एक अलग ही साउंड, दोनों जब मिल जाते हैं वोवल अलग ही साउंड क्रिएट हो रहा है, इसका साउंड आ रहा है आई। इसका आपको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जोली फोनिक में जो एक्शन है, जैसे कि कोई नेवी में या फिर कोई भी सेलर होता है जो शिप वगैरह पे, वो आई आई उनका ये एक्शन होता है, तो जोली फोनिक में भी उन्होंने यही लिया है आई आई। तो आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं बच्चों को, के साथ ही एक्शन कर सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं कि आप शिप चला रहे हैं और दूसरे को आप एक्शन बता दे रहे हैं, कुछ मैसेज पास कर रहे हैं आई 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 आई, तो ऐसा आप उनको इंट्रोड्यूस कीजिए। और इस ये क्या है जो डबल लेटर वाले जो डायग्राफ है, वोवल डायग्राफ है, इनको आप एयर ट्रेसिंग नहीं किए, इनको आप जितना हो सके स्टोरी या राइम से इंट्रोड्यूस करवाने के बाद सीधा वर्कशीट की तरफ ले जाइए, क्योंकि सिंगल में हमको एयर ट्रेसिंग करना इजी रहता, पर डबल के लिए आप बच्चों को कन्फ्यूज मत कीजिए, सीधा वर्कशीट की तरफ ले जाइए। नेक्स्ट जो हमारे साउंड है, ये जोली फोनिक में दोनों एक साथ पढ़ाए जाते हैं क्योंकि इनके एक्शन मिलते हैं। एक है डबल ई, डबल ई का साउंड है और यहाँ पे एक साउंड है ओ आ, और ई और ई और, जैसे हिंदी में आप पढ़ते हैं ना बड़ी ई, एक सिंगल छोटी ई होती है एक बड़ी ई होती है, तो वहां पे थोड़ा सा लंबा साउंड किया जाता है ई ई, जैसे सीड आप बीज सीड है ना, सीड नीड, तो डबल ई जहां पे आ रही है ट्री डबल ई आ रही है, तो थोड़ा सा ई का स्ट्रेस हो जाता है हमारा, तो ये वाला डबल ई वो वाला साउंड है। और जोली फोनिक में इस इन दोनों को साथ में पढ़ाते हैं ओ आर को भी, तो जोली फोनिक में तो इसका एक एक्शन है कि मान लो कि डोंकी की स्टोरी है और वहां पे उसके जो ईयर बने हुए हैं वो जब ईयर को ऊपर करता है ई नीचे करता है ओ ई ओ ई ओ, तो आप ये एक्शन आप बच्चों को करवा सकते हैं। डोंकी की जगह कुछ और आप एनिमल्स ले सकते हैं ये, और फिर वही मैंने कि ज्यादा इन चीजों को ज्यादा आप वर्कशीट से करवाएंगे तो बच्चे जल्दी आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि ये डबल डबल है, वोवल है, कॉन्सोनेंट डायग्राफ है, वोवल डायग्राफ है, इनके वो कम अगर वर्कशीट आप करवाओगे तो वो इनके ओरिजिनल साउंड पे जाने लग जाएंगे, सिंगल लेटर के साउंड पे जाने लग जाएंगे, इसलिए इनमें आपको ज्यादा वर्कशीट की तरफ ध्यान देने की जरूरत है ताकि बच्चा पहचान पाए, क्योंकि जितना वर्कशीट बच्चा करेगा उतने ये कंसेप्ट उनके क्लियर होंगे। इंट्रोड्यूस करवाते रहिए, रिविजन करवाते रहिए और वर्कशीट पे ध्यान देते रहिए, तभी इनको बच्चा कैच कर पाएगा। तो चलिए देखते हैं। My ear hurt, I was in pain. A, A. My ear hurt, I was in pain. What did you try to say? Jelly and jam, jelly and jam, juggling on the plate. Oh, what will I eat with it? J, 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 j. Did you see the billy goat? Oh, 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 oh. Did you see the billy goat under the old oak tree? The captain said, "I, I." The captain said, "I, I." Stand up straight, don't be late. The captain said, "I, I." See the donkey in its stall. E O E O is its call. तो राइम्स के बाद हम एक बार नजर मार लेते हैं वर्कशीट के ऊपर। तो हमारा ये ग्रुप फोर के हमारे साउंड है यहाँ पे ए ज ओ आई ई ओ। तो चलिए वर्कशीट देख लेते हैं आगे। यहाँ पे देखिए ये मैंने ये स्नेल बनाया है, यहाँ पे कुछ मैंने वर्ड लिखे हैं, इनके अंदर हमारा ये वाला साउंड यहाँ पे आएगा, तो आपको बच्चे को कलर करवाना है। वर्कशीट अलग अलग वैरायटी के आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी, इसमें मैं थोड़ा बस मेन ये ले रही हूँ। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा ये जो साउंड है ए ए यहाँ पे है र, ये हमारा एक साउंड हो जाता है र ए न, रेन प ए डू पेड टू ए ल टेल म ए न
L, snail. J, A, L, jail. तो ऐसे आपको ब्लेंडिंग करवानी है बच्चों को, बहुत सारे वर्ड लेके डेली 7-8 वर्ड लेके आप कई दिन तक प्रैक्टिस करवाएंगे तो बिल्कुल अच्छे से बच्चा कैचअप करने लग जाएगा। तो सेकंड हमारा जो साउंड है वो है जो, जो कि यहाँ पे मैंने जेली फिश ये पिक्चर बना लीजिए, कलर करवा लीजिए, रिटर्न पार्ट करवा लीजिए बच्चे से। यहाँ पे फिर हम अगर ब्लेंडिंग करेंगे तो ज, ए, र, जैप, ज, ए, ग, जग, ज, ए, ट, जेड, ज, ए, हम, जैम। यहाँ पे ओ साउंड की पिक्चर है, यहाँ पे आप, यहाँ पे हम ब्लेंडिंग करेंगे, लेटर लिखेंगे यहाँ पे स, ओ, प, सॉप, एक साउंड आ रहे हैं बीच वाले जितने, एक ही साउंड है हमारे स, ओ, प, सॉप, क, ओ, ट, कॉट, र, ओ, ड, रॉड, ब, ओ, ट, बॉट, ग, ओ, ट, गॉट, ट, ओ, स, ट, टॉस्ट। नेक्स्ट हमारा साउंड है आई, आई और ई, जो ये वॉवल डायग्राम बनता है हमारा, इसका साउंड निकलता है आई। यहाँ पे आई साउंड की पिक्चर बनाई है, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं ट, आई, टाई। देखिए यहाँ पे लेटर 3 है पर साउंड 2 आ रहे हैं, प, आई, पाई, ल, आई, स, फ्लाइज, ड, आई, डाई, ल, आई, लाई, र, आई, ड, फ्राइड। ऐसे आपको सिखाना है बच्चों को ब्लेंडिंग साउंड से, तो वो इजीली स्पेलिंग करना करना सीख जाएंगे। तो हमारा अगला साउंड है डबल ई का, इसका साउंड भी ई, थोड़ा लंबा साउंड में ई आता है। यहाँ पे ई साउंड की पिक्चर है ट्री, यहाँ पे हम ब्लेंडिंग कर लेते हैं ब, ई, बी। देखिए यहाँ पे 2 ही साउंड आ रहे हैं, स, ई, सी, ई, ल, ई, ट, र, ई, ट्री, स, ल, ई, प, स्लिप, क्यू, अ, ई, न, क्वीन। यहाँ पे और साउंड का हमारा आ रहा है, तो यहाँ पे पिक्चर बना लिया मैंने, यहाँ पे स, ट, ओ, न, स्ट्रॉम, ओ, क, फॉक, और स, ई, हॉर्स। अब यहाँ पे हम पूरा वर्ड बैंक देख लेते हैं, र, ए, न, रेन। यहाँ पे मैंने ये इसीलिए किया है कि आपको पता चले कि लेटर कितने और साउंड कितने आ रहे हैं। ट, ए, ल, टेल, प, ए, ड, पेड, स, न, ए, ल, स्नेल, ज, ए, न, जैम, ज, ओ, ग, जॉब, ज, अ, स, ट, जस्ट, ज, अ, न, प, जंप, ग, ओ, ट, गॉड, स, ओ, क, सॉग, र, ओ, ड, रॉड, फ, अ, न, फॉर्म, ट, आई, टाई, ल, आई, ड, लाइट, ट, आई, ड, टाइड, ट, र, ई, ट्री, स, ई, न, सीन, क, ओ, न, कॉन, फ, ओ, क, फॉक, स, ओ, ट, शॉट, ज, ए, प, जैप, ब, अ, ज, बज, फ, ई, ज, फिज। तो ये यहाँ पे आपने देख लिया। चलिए
यहाँ पे हमारा ग्रुप 4 और ग्रुप होता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, जो मैंने समझाने की कोशिश की आप सबको समझ आया होगा, और डेफिनेटली ये आपको अपने बच्चे को पढ़ाने में जरूर हेल्प करेगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके कॉमेंट, लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत ही हिम्मत देते हैं। तो थैंक यू।